करेक्ट, ग्रेटर देन वन, गुड. जो ये पार्ट है दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मतलब जो मेरा आउटपुट आ रहा है दैट शुड बी अ वेक्टर, दैट इज वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. स्केलर वैल्यूड फंक्शन मीन्स आउटपुट विल बी आर, दैट इट विल बी अ स्केल. सो लेट मी राइट इट लाइक सपोज जी ऑफ यू वी दैट इज गिवन बाय जी वन ऑफ यू वी एंड जी टू ऑफ यू वी. मतलब जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे उनको मैंने एक को जी वन बोल दिया, एक को जी टू बोल दिया, करेक्ट. तो जैकोबियन इज गिवन बाय, ये जैकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है ये. इवन आई कैन सी तुम लोग का कोई तो नोट्स देखा था मैंने उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसमें भी कुछ यूज़ किया था उन्होंने, मेरे को समझा नहीं क्या किया था बट मेरे को देखा. दिस इज डिनोटेड बाय जे जी कॉमा जी एट यू वी, और एक दूसरा नोटेशन है ये वाला, ये बेसिकली मोस्ट फेमस है, यही यूज़ करते हैं हर जगह. इवन मैं भी रिकमेंड करूँगा यही यूज़ करने को, बिकॉज इसका एक फ़ायदा रहेगा, वी विल लेटर ऑन सी. ओके, सो ये है, एंड व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, यस एनीवन, डो जी बाय डो यू, डो जी वन बाय डो वी, डो जी टू बाय डो यू, डो जी टू बाय डो वी. एक्चुअली ये कुछ नहीं है, जो भी तुम लोग ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर अच्छे से किया होगा तो समझेगा तुम लोग को, दिस इज सेम एज दिस इज डेल्टा जी वन एंड दिस इज डेल्टा जी टू. डेल्टा जी वन को ऐसा लिखा मैंने, डेल्टा जी टू को ऐसा लिखा, दैट्स इट. जैकोबियन मैट्रिक्स, दिस इज द डेल्टा जी वन डेल्टा जी टू. व्हाट इज द डेल्टा जी वन, डेल्टा जी वन क्या रहेगा, डेल मतलब समझता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ना विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू डी, दैट इज जी वन एंड जी वन विथ रिस्पेक्ट टू यू, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू डी. एंड जी टू क्या रहेगा, जी टू विथ रिस्पेक्ट टू यू, जी टू विथ रिस्पेक्ट टू बी, करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जैकोबियन ऑफ मैट्रिक्स. ऐसा दिया हो नीचे यू वी हो तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू वी से इंटीग्रेट कर डेरीवेट करना है, पार्शल डेरीवेट, करेक्ट. सेम अगर आर थ्री क्रॉस आर थ्री पे होता तो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स आएगा, करेक्ट. सो आई वोंट गो इन दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट मी जस्ट डायरेक्टली राइट क्या आएगा वो, डो जी वन बाय डो यू, डो जी वन बाय डो वी, डो जी वन बाय डो डब्ल्यू, डो जी टू बाय डो यू, डो जी टू बाय डो वी, डो जी टू बाय डो डब्ल्यू, लाइक दैट. सपोज यू वी डब्ल्यू आर द थ्री वेक्टर्स, डो जी थ्री बाय डो, या कैन यू हियर मी, नेटवर्क इशू है, लाइक दैट. परफेक्ट. अब तीन वेरिएबल, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, यस, डो जी वन जी टू जी थ्री बाय डो यू वी डब्ल्यू, ऐसा मॉड में, दैट इज डिटर्मिनेंट, इज इट ओके. यस, सो लेट अस सी ये केस में रिलेशन क्या है अपना. पहले डबल इंटीग्रेशन के केस में देखेंगे हम लोग, मतलब अपना डबल इंटीग्रेशन सपोज ऐसा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई ऑन सम रीजन ई, परफेक्ट. सपोज दिस इज माय डबल इंटीग्रेशन एंड आई वांट टू यूज चेंज ऑफ वेरिएबल, करेक्ट. आई वांट टू पुट समथिंग एक्स क्यू, लेट अस सी. सपोज एक्स को मैंने पुट किया जी वन ऑफ यू वी एंड वाई को मैंने पुट किया जी टू ऑफ यू वी, करेक्ट. सो एक्स इज अभी मेरा न्यू वेरिएबल किस में आएगा, यू और वी में आ जाएगा. तो ये दिस फंक्शन दिस इंटीग्रेशन विल चेंज इनटू डबल इंटीग्रेशन ओवर ई एफ ऑफ एक्स की जगह पे जी वन ऑफ यू वी एंड कॉमा जी टू ऑफ यू वी
एक्स एंड वाई की जगह पे रखा एंड डी एक्स एंड डी वाई इट विल चेंज विथ दिस मल्टीप्लाई बाय, लेट मी जस्ट राइट हियर, डो जी वन जी टू, ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ इसका डायरेक्ट रिलेशन लीनियर अलजेब्रा से है. लेट मी टेल यू समथिंग लीनियर अलजेब्रा का, ये सी है, तुम लोग ने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पढ़ा है ना. हाउ डू यू डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ऐसा ही कुछ होता है ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स. सो अगर मैंने सपोज नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल, अगर मैंने मेरा एक्स एक रेक्टेंगल दिया, परफेक्ट सपोज एक ऐसा रेक्टेंगल है, सो ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करने के बाद क्या चेंज होएगा ये रेक्टेंगल को आफ्टर यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज क्या होएगा, व्हाट डू यू थिंक ग्राफिकली. सी कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, लेकिन ये होएगा कि ये जो इसका एरिया है दैट विल बी चेंज बाय ये जो ए मैट्रिक्स है इसका, इसका तुमको जकोबियन का डिटर्मिनेंट करके दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उससे ये एरिया बढ़ जाएगा, मतलब उतना बढ़ेगा ये. अगर ग्राफिकली ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा अच्छे से, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में ये बात आती है कि मतलब क्या चेंज करता है ट्रांसफॉर्मेशन. सो जो भी मेरा वेक्टर है वो क्या करेगा, डिटर्मिनेंट से ये जो पार्ट है इसका जो वॉल्यूम है जो एरिया है दैट विल मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट, समथिंग लाइक दैट. या इवन ऑर्थोगोनल में शायद देखा होगा तुम लोग ने, आई डोंट नो मुझे ये सब पार्ट पे जाना चाहिए कि नहीं, बट जस्ट आई वांटेड टू रिकॉल कि मतलब ये करता क्या है. जब अगर मैंने चेंज किया एक्स और वाई को तो ये क्या करेगा, मेरा चेंज होने के बाद जो डी एक्स डी वाई है, दिस डी एक्स डी वाई इज़ वर्किंग सेम एज एरिया हियर, करेक्ट. और डी एक्स डी वाई डी जेड लिया तो दैट विल वर्क एज वॉल्यूम, सो वो क्या चेंज होएगा, दैट विल चेंज एज जकोबियन मल्टीप्लाई बाय डी यू डी वी. अगर डी एक्स डी वाई डी जेड लिया तो वो भी क्या रहेगा, जकोबियन मल्टीप्लाई बाय डी यू डी वी डी डब्ल्यू, दैट इज दिस पार्ट ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड रहेगा. सेम ये केस में, जैसे ये केस में क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रखा तो. मे बी अगर चाहिए तो ट्राई टू फाइंड द रिलेशन विद दिस, डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ अलग नहीं है ये सब जकोबियन के केस में. सो डू यू अंडरस्टैंड, करना क्या है तुमको, कोई भी फंक्शन दिया अगर डबल इंटीग्रेशन में x इक्वल टू जी वन दिया पुट करने का, y इक्वल टू जी टू पुट करने का, सो एफ ऑफ इधर अंदर फंक्शन में पुट करने का, इधर क्या करने का तुमको, जकोबियन फाइंड आउट करना है. सो लेट मी फर्स्ट डू पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट में क्या किया था तुम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स वाई रहता है इधर, डी एक्स डी वाई रहता है, हम लोग क्या चेंज करते थे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करते थे एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इजेंट इट परफेक्ट. सो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने इधर फॉर्मूले में क्या आएगा, दिस विल चेंज इनटू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, डी एक्स डी वाई इट विल बी चेंज इनटू डो ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डो ऑफ क्या है आर कॉमा थीटा, इजेंट इट, एंड दिस इज मॉड, करेक्ट, एंड डी आर डी थीटा, इज इट क्लियर. नाउ लेट अस फाइंड दिस. और तुम लोग को पता है हम लोग क्या यूज़ करते थे, इसका आंसर मोस्टली आर आता था शायद, आर डी आर डी थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. नाउ लेट अस फाइंड दिस. सो ये क्या आएगा, डो ऑफ एक्स वाई बाय डो आर थीटा, व्हाट विल बी दिस, एक्स क्या है, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू आर, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू आर किया तो क्या आएगा तुमको, कॉस थीटा आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो कॉस का डेरिवेटिव साइन दैट इज माइनस आर साइन थीटा, यू सी दैट. वाई को किया तो विथ रिस्पेक्ट टू आर तो क्या आएगा, ये साइन थीटा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो आर कॉस थीटा, करेक्ट. सो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, डू यू सी आर आएगा क्या,
आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज दिस आर। सो दिस डी एक्स डी वाई विट बी चेंज टू दिस, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा मैं, दिस इज एफ ऑफ आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा एंड दिस विल बी आर डी आर डी थीटा। परफेक्ट, लेट मी डू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन, मतलब कैसे चेंज कैसे करने का, एंड एक और ट्रिक बताता हूँ तुम लोग को यूज़ करने के लिए। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, इवेल्यूएट द इंटीग्रल यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेर आर इज रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइन्स y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू x माइनस टू एंड y इक्वल टू x प्लस वन, लाइक दिस। ओके, अगर तुमको ये चेंज ऑफ वेरिएबल सपोज नहीं पता था, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते तुम लोग, कैन एनीबडी टेल मी? यस, अगर जितना डबल इंटीग्रेशन का नॉलेज है उतना ही यूज करके अपने को ये सॉल्व करना होता तो क्या करते फर्स्ट स्टेप? यस यस, क्या करता, स्टेप क्या है डबल इंटीग्रेशन का? परफेक्ट, ग्राफ। सो ये जो चार लाइंस है इसको ड्रॉ करते हम लोग, फिर लिमिट देखते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तीन चार इंटीग्रल में ये ब्रेक होता आई वन आई टू ऐसा कुछ, तो एक दो तीन जो भी है। परफेक्ट, इज इट क्लियर? अगर पहले अपने को होता तो ऐसे ही करना पड़ता एंड दैट वुड बी क्वाइट लेंथी। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू सी दैट? हर एक का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर हर एक का इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ करो। यस, एक्चुअली इतना भी नहीं होता बिकॉज ये पैरेलल ही है, ये दोनों पैरेलल है, सो इट वुड जस्ट फॉर्म अ पैरेलोग्राम टाइप, एंड फिर भी मतलब इंटीग्रल विल ब्रेक इनटू आई वन एंड आई टू और समथिंग, करेक्ट? बट नाउ लेट अस ट्राई टू यूज आवर चेंज ऑफ वेरिएबल। इन चेंज ऑफ वेरिएबल वी आर नॉट गोइंग टू सी द ग्राफ, वी ऑलरेडी नो कि ग्राफ कैसा आएगा, जस्ट अपने को क्लिक हुआ, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स। ट्राई टू सी, ये इक्वेशन को फिर से देखता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y प्लस टू एक्स इक्वल टू फोर, एंड यहाँ पे भी y प्लस टू एक्स इक्वल टू सेवन, करेक्ट? एंड यहाँ पे क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू वन, कैन यू सी दैट? यस, सो मतलब अगर ट्राई टू सी, अगर ये वेरिएबल को मैंने कुछ पुट कर दिया, तो सपोज मैंने u पुट कर दिया y प्लस टू एक्स, तो मेरा u का बाउंड क्या आएगा, 4 टू 7, डू सी दैट? एंड यहाँ पे अगर मैंने कुछ v पुट कर दिया y माइनस एक्स, तो v का बाउंड क्या हो, माइनस टू टू वन, सो दिस इज जस्ट आई एम कन्वर्टिंग इट इन अ रेक्टेंगल, करेक्ट? दैट वुड बी क्वाइट इजी टू सॉल्व, सो दिस इज व्हाट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग। बट द थिंग इज दैट, अभी देखो सब्स्टिट्यूट तो किया, लेकिन मेरे को फॉर्मूले में क्या बोलता है कि मेरे को इधर से x का वैल्यू चाहिए, करेक्ट? सो ये दोनों सॉल्व करके तुमको x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u u एंड v एंड y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड v, कैन यू गेट इट फॉर मी? यू मीन द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ u एंड v, बिकॉज अपने को x चाहिए ना डिफरेंशिएट करने के लिए। डू यू सी दैट? एक्स इक्वल टू समथिंग हो, वाई इक्वल टू समथिंग, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू वी विल बी क्वाइट ईजी। विल यू जस्ट डू दैट? एक्स इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन थ्री एंड वाई इक्वल टू वो भी वही है क्या? वाई क्या आएगा, एक्स में ऐड कर दो ना,
एक्स में वी ऐड कर दो तो प्लस वी किया तो ये क्या आएगा, 3/2, 3 2, हाँ यू प्लस 2 वी आएगा क्या? परफेक्ट, गुड। सो यू प्लस 2 वी, करेक्ट, यू अपॉन 3। यस, सो इतना हो गया। अभी ट्राई, लेट अस ट्राई टू चेंज आवर इंटीग्रल। तो उसके पहले पहले जैकोबियन निकालते हैं। जैकोबियन कैसा चाहिए? यस, जैकोबियन ऑफ फंक्शन, सॉरी, एक्स एंड वाई ना, एक्स एंड वाई विथ यू एंड वी। सो ट्राई टू सी व्हाट इज योर एक्स, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, एक्स क्या है, यू माइनस वी बाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आएगा? एंड विथ रिस्पेक्ट टू वी क्या आएगा, इंटीग्रेट, सॉरी डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू, यू इंटीग्रेट डेरीवेट किया तो 1/3 आएगा और वी किया तो -1/3। गुड, ठीक है। व्हाट अबाउट हियर? वन बाई थ्री एंड 2/3, करेक्ट। क्या आएगा ये डिटर्मिनेंट, क्या आएगा? यू कैन टेक 1/3 कॉमन, सो 1/9 होएगा, 2 + 1 3, तो आंसर 1/3 आएगा शायद। चेक ले, फिर से चेक कर ले, मेरे को तो 1/3 दिख रहा है। सी 1/3 इधर ये रो से निकाला, ये रो से निकाला, सो टोटल 1/9 बाहर आया, तो इधर आएगा 1 - 1 - 1 - 2। डिटरमिनेंट क्या आएगा? 2 - - प्लस हो जाएगा, 2 + 1 - 3, तो 3/9 आएगा। सी, अरे तूने शायद ये अप्लाई किया होगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? यू कैन टेक समथिंग आउट फ्रॉम अ रो, यू कैन टेक समथिंग आउट फ्रॉम दिस रो, आइदर दिस रो, लाइक दैट। सो यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3, 1/9 बाहर आया एंड उसका डिटर्मिनेंट 3, तो दैट इज 1/3। इज इट ओके नाउ? सो कैन आई चेंज माई इंटीग्रेशन नाउ? सो दिस इज इंटीग्रेशन आर, जो भी था, क्या था फंक्शन, 2x² -xy - y² dx dy, दैट विल बी चेंज इन टू यू। और बी का लिमिट क्या है? अभी देखो, यू का लिमिट क्या है, 4 to 7, एंड वी का लिमिट -2 to 1। सो दिस इज 4 to 7 -2 to 1। सो दिस इज, यहाँ पे डी वी आएगा, यहाँ पे डी यू आएगा, यहाँ पे जैकोबियन, जैकोबियन का वैल्यू क्या है, 1/3। कैन आई राइट इट लाइक दैट? परफेक्ट। और चाहिए तो एक बार सब्स्टिट्यूट पूरा फॉर्मूला लिख लेने का, फिर ये 1/3 लिखने का। एंड यहाँ पे क्या, ये फंक्शन में एक्स की जगह पे यू पुट करने का, वाई की जगह, सॉरी, एक्स की जगह पे क्या पुट करने का, ये किधर गया, यू माइनस वी बाई 3 एंड वाई की जगह पे यू प्लस 2 वी बाई 3। यस, कैन यू डू दैट नाउ? सो 2 यू की जगह पे क्या आएगा, यू का वैल्यू क्या आएगा, यू माइनस वी बाई 3। सो दिस विल बी यू माइनस वी बाई 3 द होल स्क्वायर माइनस यू माइनस वी बाई 3 इन टू वट इज दैट, वी यू प्लस 2 वी बाई 3, यू प्लस 2 वी बाई 3 लाइक दैट, एंड माइनस वाई स्क्वायर दैट इज यू प्लस 2 वी बाई 3 द होल स्क्वायर। एंड लेट मी जस्ट रब दिस, इज इट क्लियर? अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो ईजी हो गया ना, क्या आएगा, माइनस यू प्लस 2 वी बाई 3 द होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड दिस इज डी एक्स डी वाई, सॉरी डी यू, पहले कौन है, डी वी है ना, सो दिस इज डी वी डी यू, करेक्ट। सो जस्ट अभी ये सॉल्व करना है, यू और वी के केस में आएगा, एंड जस्ट यू नीड टू टेक द इंटीग्रेशन। आई होप यू कैन डू दैट। यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस, एंड वन मोर थिंग, वन मोर ट्रिक जो मैं बोल रहा था तुम लोग को, जैकोबियन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है,
राइट या सी जैकोबियन के लिए मोस्टली अपने को मैंने यू और वी दिया तुमको और बोला कि एक्स और वाई निकालो और फिर जैकोबियन निकालने को बोला, करेक्ट? जैकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, यस ओके। लेट मी सी अगर सपोज मैंने कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तुम लोग ने क्या फाइंड आउट किया अभी, डू ऑफ एक्स वाई एंड डू ऑफ यू वी निकाला ना, दैट इज़ 1/3 आया। कैन यू फाइंड दिस डू ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू डू ऑफ एक्स वाई, वट विल बी दैट? डू ऑफ यू वी मतलब क्या, मेरा फंक्शन ये वाला यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इसको तो क्या आएगा 2, विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो यहाँ पे 1 आएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 1। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, कैन यू सी? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? यस इट इज 3, परफेक्ट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऊपर 1/3 आया था, नीचे 3 आया था, तो एक्चुअली शायद तुम लोगों ने ये जैकोबियन का प्रॉपर्टी प्रूफ किया होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, एक्चुअली दे आर इनवर्स ऑफ इच अदर, ये इंटू ये दैट इज 1, करेक्ट? सी ये 1/3 था, ये 3 था। सो इवन मैं करके आ सकता था, स्टार्ट में ही तुम लोग को बता सकता था डू यू बी अपॉन डू एक्स वाई निकालो, सो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल गिव मी द जैकोबियन ऑफ दिस। बट अपने को एक्स एंड वाई चाहिए था, क्यों? क्योंकि फंक्शन में कुछ लोग थे जिसमें सब्स्टिट्यूट तो करना ही था। इज दैट ओके एवरीवन? लेट अस क्विकली डू वन मोर प्रॉब्लम ऑन दैट एंड ट्राई टू ऑब्जर्व क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो तुमको लिमिट देख के समझना चाहिए। सपोज रूट ऑफ वाई बाई एक्स एंड रूट ऑफ एक्स वाई लिया एंड दिस इज डी एक्स डी वाई वेयर आर इज नाउ आई विल गिव इट टू यू, तुम लोग सॉल्व करो। एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू 4x, ट्राई टू सॉल्व दिस, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अगर इसको भी अगर ग्राफिकली करना रहेगा तो एक्स वाई इक्वल टू 1 ड्रॉ करो, एक्स वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू 4, ये ड्रॉ करो फिर सॉल्व करो, दैट विल बी क्वाइट लेंदी एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज एक्स वाई इक्वल टू 1 और 9 का ग्राफ में ही प्रॉब्लम होएगा पहले तुमको। सो वॉट शुड यू पुट यू एंड वी सो दैट जो मेरा वैल्यू आए वो क्या आ जाए, सिर्फ ये हो जाए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो जाए, नंबर्स हो जाए। यू क्या पुट करूं मैं, यस व्हाट शुड आई पुट वैल्यू ऑफ यू एंड वी हियर सो दैट जो मेरा लिमिट हो जाए वो नंबर्स हो जाए सिर्फ। अरे भाई आज ही बोलना है, परफेक्ट, वेरी नाइस। यू इक्वल टू एक्स वाई अगर पुट किया तो यू का लिमिट मिल जाएगा 1 to 9 एंड अगर इधर मैंने वाई अपॉन एक्स लिया तो वी का लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 4, परफेक्ट। दिस ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, करेक्ट? अभी इसके आगे का तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, ट्राई स्टार्ट करो। फर्स्ट थिंग इज फाइंड एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड टेल मी क्या आएगा। एक्स तो सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है वो एंड वाई, हाँ क्या आएगा बोलो, इट विल बी एक्स विल बी यू अपॉन वाई, एनीवन? ये शायद रूट ऑफ यू बाई वी आएगा, नहीं सॉरी ये रूट ऑफ यू वी, रूट में आएगा बट यू वी आएगा, एंड व्हाट इज दिस, हाँ और एक्स का यू बाई वी शायद,
परफेक्ट, गुड। जैकोबियन निकालो अभी। जैकोबियन मतलब क्या? डो एक्स वाई बाय डो यू वी, मतलब एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू यू किया तो क्या आएगा? यस, ये कंप्लीट करो, बताओ डिटरमिनेंट क्या आएगा। रूट ऑफ यू वी ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? ओके भाई, पूरा कंप्लीट करके बताना मेरे को। वन बाई टू रूट यू वी, ओके। एनी वन एल्स? अच्छा, नीचे ही, ओके। ऐसा कुछ, 1/2 √UV, ओके। एनी वन एल्स? ये केस में अगर जकोबियन तुमको डिफिकल्ट लगे ना, तो वो ट्रिक काम कर सकता है तुम लोग का। कौन सा वाला? यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड आउट करने वाला, इजेंट इट? आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट ईजी। अगर तुमको रूट में थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो जकोबियन उसमें कर सकते हो, बिकॉज एक्स एंड वाई तो तुम्हारे पास है ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इजेंट इट? सी व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन either if it is difficult to you, so you can do this डो ऑफ यू वी बाई डो ऑफ एक्स वाई। जो तुमको रेसिप्रोकली तो लेना है, मतलब यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पुट करो। यू क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये क्या आएगा? वाई आएगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये क्या आएगा? एक्स आएगा। यू का हो गया ख़त्म। वी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या है? 1/x। 1/x का डेरिवेटिव -1/x2, सो दिस विल बी वाई -y/x2। एंड यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो दैट विल बी 1/x। डू यू सी दैट? क्या आएगा ये? वाई बाय एक्स माइनस, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस ना, ये वाई है, सो दिस विल बी xy/x2। सो ये गया, ये क्या आएगा? 2y/x। y/x क्या है? इन टर्म्स ऑफ यू वी चाहिए ना, तो y/x क्या है? वी है, करेक्ट? तो दिस विल बी 2v, इजेंट इट? सो तुम्हारा वो क्या आएगा? डो ऑफ एक्स वाई अपॉन डो ऑफ यू वी क्या आएगा? 1/2v। 1/2v आएगा किसी का इधर से? हाँ, ये सॉल्व करने से आया किसका? ये श्रेयस, तेरा रॉन्ग है क्या? जस्ट चेक कर। सी, इन दैट केस दैट वॉज क्वाइट ईजी। अच्छा, तू सॉल्व कर रहा था क्या? ओके। अरे भाई, फाइनल चाहिए मेरे को, तू फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता रहा था क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझा तुम लोग को? मतलब जब भी तुमको दिखे कि भाई हाँ, डिफ्रेंशिएशन इसका करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका इजी है, तो तुमको यही तो निकालना है, तो यू कैन डू बाय दिस वे, इजंट इट? डू यू सी दैट कितना स्मूथली गया ये? या, सो इट्स योर चॉइस। व्हाट नेक्स्ट? जस्ट सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेशन में एंड कंप्लीट इट फास्ट। यू शुड नॉट वेटिंग फॉर मी। व्हाट इज लिमिट फॉर यू एंड वी? तो पहले पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। आर था, ये क्या था? रूट ऑफ वाई बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स वाई था, एंड दिस वॉज डी एक्स डी वाई। सो इट विल बी चेंज इन टू U का लिमिट और V का लिमिट बताओ। U का क्या था? 1/9, V का लिमिट 1/4। सो यहाँ पे क्या आएगा? dV आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? dV। डू यू सी दैट? यही है ना?
129 एंड 124 एंड जकोबियन क्या है तुम्हारा? जकोबियन कौन सा? ये वाला नीचे यू वी होना चाहिए, सो दैट इज़ 1/2V है, तो जकोबियन तुम्हारा आया 1/2V। ये हो गया जकोबियन। रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये देखो ये तो और इजी हो गया। रूट ऑफ वाई बाई एक्स क्या आएगा? रूट वी प्लस रूट टू यू, शायद यही आएगा ना, इजेंट इट? आई थिंक यू कैन डू दैट। यस, कैन यू कंप्लीट इट नाउ? अभी जस्ट तुमको रेक्टेंगुलर है तो इसमें तुमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द थिंग, जो भी है। द मेन थिंग वॉज फाइंडिंग दिस जकोबियन एंड एवरीथिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग इट। मेन इसका रिलेशन डायरेक्ट लीनियर अलजेब्रा से है। ट्राई टू सी, लीनियर अलजेब्रा में मोस्टली किया होगा तुमने, मुझे याद नहीं, आई मीन मैंने कराया तो नहीं है तुमको। किया किसी ने? सॉल्व किया क्या? और सॉल्व भी, स्किप इट फॉर द होम होमवर्क, यू कैन डू इट। ओके देन आई विल स्किप दैट, यू जस्ट कंप्लीट इट एंड टेल मी द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल वेरीफाई विथ ईच ऑफ यू। ओके, वॉट नेक्स्ट? अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आते हैं। उसमें कौन सा पढ़ा तुम लोग ने चेंज ऑफ वेरिएबल में पहले? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इजंट इट? नहीं, उसके पहले भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कोई बताएगा मुझे क्या है? What is cylindrical coordinate? Yes? अरे भाई, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, z equal to z only. So मतलब जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो x, y, z, r, theta, z में चेंज होएगा, करेक्ट? सो what do you have to find? You have to find dou of x, y, z by dou of r, theta, z. Do you see that? Yes? Check करते, with respect to r किया तो ये क्या आएगा? Cos theta, with respect to theta किया तो minus sin theta, minus r sin theta, isn't it? Minus r sin theta, and with respect to z किया तो ये zero हो गया. Same यहाँ पे क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू आर किया तो ये साइन थीटा, यहाँ पे आर कॉस थीटा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे जेड का तो 001। डू यू सी दैट? इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? सेम आर ही आएगा क्या? यू कैन फाइंड डिटरमिनेंट फ्रॉम दिस रो, यू कैन फाइंड डिटरमिनेंट फ्रॉम दिस रो, ये गया, इस पर निकालना है, दैट इज आर कॉस स्क्वायर एंड यार, डू यू सी, यही आएगा। यस, एंड सिलेंड्रिकल में यही करते थे ना तुम लोग, ट्रिपल इंटीग्रेशन में x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा पुट किया, z को ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पे r dr d थीटा d z, दिस वॉज द थिंग, दैट्स वाई ये r क्यों आया, क्योंकि अभी अपने को पता है ये है वो r, सॉरी एक्चुअली मॉड में आता है आंसर, सो आंसर लास्ट में मॉड, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट है बट यहाँ पे पुट करने पे मॉड डालना है, बिकॉज ये समथिंग रिलेटेड टू एरिया है विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कितना एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना दैट डी एक्स डीवाई से, ये केस में वॉल्यूम है, तीन लोग हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी, कैन यू डू दैट? कैन यू टेल मी व्हाट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वैल्यूज क्या है?